सो हे गाइज व्हाट्सअप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर वाडी चैनल राशन फोटोग्राफी। सो गाइज आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोग का येलो बैकग्राउंड में सिर्फ फोटो यहां पर एडिट करना सिखाने वाला हूं, जो कि गाइज आप लोग हमारा फोटो को यहां पर देख सकते हो, इतना देखने में गाइज अमेजिंग लग रहा है। और अगर आप लोग मतलब इस तरह का बैकग्राउंड में अपना मतलब फोटो यहां पर बना ले जाओ, तो आप लोग अपने फोटो के बैकग्राउंड को अलग अलग कलर टोन के अंदर मतलब एडिट कर सकते हो, जो कि आप लोग कुछ फोटो के सैंपल को यहां पर देख सकते हो कितना देखने में बवाल सा लग रहा है। तो अगर आप सब भी चाहते हो सेम टू सेम इस तरह का मतलब फोटो को बनाना सीखना, तो आप लोग इस बार वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लीजिए। और वीडियो आप लोग को जरा सा ही पसंद आए तो आप लोग इस पर वीडियो को एक लाइक और जरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन पे कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके सो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग मतलब अपने फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर यहां पर ओपन कर लेना होगा और एक मतलब प्रिंसेट को भी आप लोग को ऐड करना होगा, इस वाले मतलब प्रिंसेट को। और इस वाले प्रिंसेट एंड बैकग्राउंड का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेल अभी आप लोग को यहां पर क्या करना होगा, सिंपल से यहां पर थ्री डॉट के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना होगा और कॉपी सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके क्रॉप को छोड़ के बाकी सभी को यहाँ पर आप लोग को इस टाइप से मार्क करना होगा। और सिंपली इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके अपने फोटो पर एक बार यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा और दोबारा से मतलब आप लोग को थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर इसको आप लोग को पे सेटिंग कर देना होगा। तो आप लोग आज यहाँ पर देख सकते हो वन क्लिक के अंदर हमारे फोटो के अंदर मतलब सूट येलो कलर टोन यहाँ पर आ चुका है। बिफोर एंड आफ्टर अभी मैं आप लोग को दिखलाता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो वेल हल्का सा यहाँ पर क्या करते हैं, हल्का सा अपने हिसाब से कस्टमाइज यहाँ पर कर लेते हैं इस टाइप से। और अभी आप लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, शेयर वाला ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है और शेयर टू के ऑप्शन पे क्लिक करके इस वाला फोटो को आप लोग को पिक्सल एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर ओपन कर लेना होगा। तो वेल पिक्सल एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को जस्ट ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने मतलब फोटो को हल्का सा यहाँ पर रिकवर करेंगे। लाइक अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने मतलब फेस एंड अपने मतलब यहाँ पर कपड़े कलर को यहाँ पर सही करेंगे, जो कि मतलब प्रिंसेट को अप्लाई करने के बाद खराब हो चुका है। तो इसको सही करने के लिए सिंपल से यहाँ पर ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना होगा और हमारा जो मतलब ओरिजिनल फोटो है उस वाले फोटो को सिंपली यहाँ पर ऐड कर लेना होगा। तो मैंने अपने फोटो को यहाँ पर सिंपली ऐड कर लिया हूँ और अभी यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कुछ इस टाइप से हल्का सा जूम करते हैं इस तरह से। और अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से एडजस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको इन्वर्ट करके रिस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करके दोनों फिंगर से अपने फोटो को जूम करके जहाँ पर भी आपका मतलब यहाँ पर ख़राब हो चुका है वहाँ पर आप लोग कुछ इस टाइप से इसको रिस्टोर कर लीजिएगा। आप लोग गाइस यहाँ पर देख ही सकते हो इस टाइप से। और अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सिंपली से इसको राइट क्लिक करते हैं इस टाइप से। और अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल से इफेक्ट टूल के ऑप्शन पे एक बार यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं और इस बार यहाँ पर क्या करते हैं, आर्टिस्टिक के ऑप्शन पे क्लिक करके फर्स्ट वाला इफेक्ट को यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे और इस पर एक बार हम लोग क्लिक करके इसके मतलब ब्लेंडिंग को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीपल के ऊपर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इसके फेड को हल्का सा माइनस स्कोर करके सिंपल से यहाँ पर क्या करेंगे, इरेजर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको इन्वर्ट करके कुछ इस टाइप से हल्का हल्का मतलब हम लोग नीचे की ओर इसको रिस्टोर करेंगे इस टाइप से, ताकि मतलब यहाँ पर सीवी वाला इफेक्ट आ जाए हमारे फोटो के अंदर। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, आप लोग मतलब अपने कपड़े के ऊपर भी कर लीजिएगा इस टाइप से, मैं आप लोग को दिखलाता हूँ करके। और अब मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक कर लेता हूँ। तो वेल अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने मतलब बैकग्राउंड को हम लोग बना लेते हैं। तो बैकग्राउंड को बनाने के लिए सिंपल से आप लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फोटो गैलरी के अंदर सेव करना है। और सिंपल से यहाँ पर क्या करना है, अपने मतलब फ़ोन के डाटा को यहाँ पर ऑन करना है, मतलब अपने फ़ोन में डाटा को ऑन करना है। और सिंपल से अब यहाँ पर क्या करना है, टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके रिमूव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर लेना है और कुछ इस टाइप से दोनों फिंगर से फोटो को जूम करके अपने मतलब फोटो पर एक बार इसको इस टाइप से मतलब रिस्टोर करना है। आप लोग यहां पर देख सकते हो इस टाइप से आप लोग को रिस्टोर करना है कुछ इस टाइप से ही। और अगर अब यहां पर क्या करना है, सिंपल से रिमूव के ऑप्शन पे एक बार हम लोग क्लिक यहां पर कर देना है और अब यहां सिंपल इसको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। तो वेल अभी हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, सिंपल से इफेक्ट टूल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से एफेक्ट्स वाला ऑप्शन पे एक बार क्लिक करके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने मतलब बैकग्राउंड के अंदर हम लोग HDR को यहाँ पर इनेबल करेंगे इस टाइप से। और सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से मतलब इफेक्ट टूल के ऑप्शन पर क्लिक करके इस बार यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लर वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके आप लोग को यहाँ पर 5 नंबर पर लेंस ब्लर नाम से इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस पर लेंस ब्लर के ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले इसके रेडियंस को आप लोग फुल बढ़ा लीजिएगा इस टाइप से।
और इसके लाइटिंग को आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिएगा अगर आप लोग को बोके इफेक्ट वगैरह चाहिए तो कुछ इस टाइप से। और सिंपली यहाँ पर एक बार इसको राइट क्लिक करके दोबारा से मतलब यहाँ पर इफेक्ट टूल के ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से आप लोग मतलब वही वाले मतलब ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है। इस टाइप से मैं आप लोग को दिखलाता हूँ। और अब सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इसको हम लोग को राइट क्लिक कर देना है। और अभी हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, दोबारा से मतलब ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है। और अभी जो हम लोग अपने फोटो को मतलब सेव किए थे उस वाला फोटो को यहाँ पर ऐड स्टेप से कर लेना है। और इसको हम लोग को फुल जूम करना है स्टेप से। और अब यहाँ पर गाइस आप लोग को रिमूव डॉट बीजी नाम से एक टूल देखने को मिलता है, तो इस वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर एक बार यहाँ पर क्लिक स्टेप से कर लीजिएगा। तो जैसे आप लोग रिमूव डॉट बीजी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका मतलब यहाँ पर बैकग्राउंड वन क्लिक के अंदर रिमूव कर देगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। तो वेल अभी आप लोग को यहाँ पर डन बिल्कुल भी नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर फिर से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और वही वाला फोटो को फिर से यहाँ पर ऐड करना है। और इसको हम लोग को कुछ इस टाइप से फुल जूम करना है इस तरह से मतलब। और सिंपल यहाँ पर क्या करना है, इरेजर ब्रश के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हम लोग को इन्वर्ट करना है और रिस्टोर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसके हार्डनेस को फुल माइनस स्कोर करना है और साइज को हम लोग को फुल प्लस स्कोर कर देना है। और नीचे की एरिया में कुछ इस टाइप से हल्का हल्का इस टाइप से ब्रश कर देना है ताकि मतलब नीचे का एरिया यहाँ पर मैच हो जाए। इस तरह से अपने फोटो के अंदर देख सकते हो मैच हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर इसको एक बार फिर से डन करना है और यहाँ पर दोबारा से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके एक मैं आप लोग को लेंस की पीएनजी दूंगा, उस वाले पीएनजी को यहाँ पर ऐड करना होगा। सो गाइस आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, इस वाले मतलब व्हाइट लेंस की पीएनजी को ऐड कर लीजिएगा और इसको कुछ स्टेप से जूम करके अपने मतलब यहाँ पर फेस के ऊपर स्टेप से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अब यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके दो बार इसको यहाँ पर मूव डाउन कर दीजिएगा इस टाइप से। आप लोग गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमारे फोटो के मतलब पीछे यहाँ पर चल चुका है। तो अभी यहाँ पर आप लोग क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर ब्लेंड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हम लोग को स्क्रीन के ऊपर सेलेक्ट करके इसको हल्का सा अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है इस तरह से। और अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल से ऑपेसिटी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसके ऑपेसिटी को हम लोग को 50% के आसपास यहाँ पर रख देना है इस टाइप से, ज़्यादा आप लोग को नहीं रखना है यहाँ पर। और सिंपली यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर देना है। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दोबारा से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ पीएनजी वगैरह को यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 पीएनजी को ऐड कर लिया है, जो कि मतलब एक टेक्स्ट की पीएनजी है और एक मतलब बोके इफेक्ट की पीएनजी है और एक मतलब यहाँ पर लाइट की पीएनजी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाला बोके इफेक्ट की पीएनजी को हम लोग जूम करके अपने हिसाब से इसको मतलब इस टाइप से क्रॉप करते हैं और ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हम लोग स्क्रीन के ऊपर सेलेक्ट करके सिंपल से यहाँ पर क्या करते हैं, अपने मतलब बैकग्राउंड के पीछे इस टाइप से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज इसको कर सकते हैं गाइज। और लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम लोग दूसरे साइड भी एडजस्ट कर लेते हैं इस टाइप से। और अभी यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले टेक्स्ट की पीएनजी को हम लोग यहाँ के साइड एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। और अब इस वाले लाइट की पीएनजी को हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर रख के सिंपल से ब्लेंड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको भी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर सेलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं इस टाइप से। और सिंपली यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर देते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो मतलब अपने कपड़े कलर को यहाँ पर चेंज करना, तो इसके लिए आप लोग क्या करना होगा, सिंपल से इफेक्ट टूल के ऑप्शन पे क्लिक करके कलर्स के ऑप्शन पे क्लिक करके सेकंड वाला कलर को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जो कि मतलब कलर रिप्लेस के नाम से है। और इसके सर्कल को हम लोग क्या करना होगा, अपने मतलब टी शर्ट के ऊपर रख के सिंपल से यहाँ पर क्या करना होगा, इसके मतलब रिप्लेस ही वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको मतलब अपने हिसाब से रख देना है, जो कलर आप लोग को पसंद आता है। तो मैं यहाँ पर इसको रेड कलर करता हूँ और सिंपल से यहाँ पर क्या करता हूँ, एडजस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको इन्वर्ट करके कुछ इस टाइप से अपने मतलब कपड़े के ऊपर इसको रिस्टोर कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हो रहा है कलर यहाँ पर। और सिंपल से यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लोग राइट क्लिक करते हैं। तो इसी तरह से आप लोग मतलब अपने मतलब बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। मैं आप लोग को दिखलाता हूँ, देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से हो रहा है हमारा मतलब बैकग्राउंड कलर। आप लोग को जो कलर पसंद आता है आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज भी यहाँ पर कर सकते हो गाइज। तो मैंने फिलहाल यहाँ पर क्या किया, यही वाला कलर को सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर देता हूँ। तो फाइनली जो हमारा फोटो यहाँ पर बनके रेडी हो चुका है, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। बाकी अगर आप लोग मतलब अपने फेस एंड अपने हेयर को अच्छे तरीके से एडिट करना चाहते हो तो आप लोग मतलब इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मतलब इस वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा तो वीडियो मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लंबा हो सकता है। फोटो को सेव करने के लिए सिंपल से ड्रो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके, फिर डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को आप लोग को सेव करना होगा।